नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश, आपका स्वागत है दिस आईटी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। देखो, आज हम लोग और एक एनालॉजी का पार्ट करेंगे, तो दिस इज़ द फिफ्थ पार्ट गाइस। कल से हम लोग और एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो कल से हम लोग सीरीज़ करेंगे जो इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि देखो सिलेबस में लेटर सीरीज़ एंड आपका नंबर सीरीज़ दोनों है, अल्फाबेटिकल सीरीज़ एंड नंबर सीरीज़, तो सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो कल से हम लोग थोड़ा सीरीज़ कर लेंगे, उसके बाद वेन डायग्राम, ऐसे करके हम लोग पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे गाइज़। तो चलो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए गाइस, ठीक है। तो चलो पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखो, म्यूजिक इज टू नोटेशन दिया हुआ है, ठीक है, तो म्यूजिक के साथ नोटेशन जाता है, तो पोएम के साथ क्या होगा? तो आप अगर देखोगे म्यूजिक नोटेशन मतलब क्या, अरेंज किया रहता है उसका कोडिंग जो है, जो वो अरेंज किया रहता है म्यूजिक में नोटेशंस, तो उसी हिसाब से अगर पोएम देखोगे तो वर्सेस में जो है वो अरेंज किया रहता है, तो पोएम के साथ वर्सेस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ऐसे टाइप का भी देता है, फिश इज टू बर्ड, डबल इज टू देखे सबमरीन एरोप्लेन होगा, मास्टर ईगल, राइफल टैंक या नन। तो देखो, फिश कहाँ पे रहता है, पानी में, बर्ड कहाँ पे रहता है, स्काई में, तो उसी हिसाब से कैसे क्या हो जाएगा, सबमरीन पानी में रहता है, एरोप्लेन जो है ऊपर से जाता है स्काई में, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो है एल बाई एस इक्वल टू 12/19 आई बाई टी क्या हो जाएगा? देखो ये कुछ नहीं है, पोजीशन है, मैं कल आपको दिखाया था पोजीशन, आपको नंबर याद रखना है, एल का पोजीशन 12 है, एस का पोजीशन 19 है, तो उसी हिसाब से आई का पोजीशन जो होगा 9 है एंड टी का जो है 20 है, मतलब 9/20 आपका ऑप्शन सी हो जाएगा गाइस, तो पोजीशंस याद रखना। नेक्स्ट देखो, हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं, 5:2:2:4:3:1 तो 8:2 क्या होगा? तो ये कैसा है, ये थोड़ा सा अगर आप सोचोगे थोड़ा सा क्रिटिकल है, लेकिन हम लोग सीख लेंगे, तो ऐसा भी पैटर्न आता है गाइस, तो याद रखना क्या किया गया है, 2:4:3:1 को ऐड किया गया, 2+4+3+1 कितना हो रहा है, 10 को 2 से डिवाइड कर दिया गया तो 5 आ गया। तो सिमिलरली हम लोग आंसर देख के इसको करेंगे, तो देखो ये जो आएगा 5+4 9 9+6 15+1 16, तो 16/2 करेंगे तब 8 आएगा, तो आपका ये आंसर आ जाएगा, बाकी कोई आंसर नहीं आ रहा है। एक देख लेते, 4:2 8 8+8 16 16+7 23 23/2 नहीं आ रहा, तो कोई भी नहीं आएगा, ये आएगा। नेक्स्ट देखो, इस नंबर 4 को जो है आपको आंसर पुट करके ही देखना पड़ेगा गाइस, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो आपको आंसर देख देख के करना पड़ेगा, क्योंकि इसको डायरेक्ट आंसर नहीं आएगा। नेक्स्ट देख लेते, क्यू पी ओ एन इज टू एम एल के जे तो एक्स डब्ल्यू वी यू क्या होगा? तो देखो ये कैसा रिलेशन बैठ रहा है, ये जो है आप देखोगे क्यू से एम जो है वो -4 हुआ है, पी से एल -4, ओ से के -4 और एन से जे -4, तो सभी -4 -4 -4 -4 है, तो एक से आप -4 करोगे, एक से -4 करोगे तो आपका क्या आएगा, एक से -4 करोगे तो टी आएगा, तो आपका ऑप्शन बी, और कुछ आपको देखना ही नहीं है, ठीक है, तो आपको और कुछ देखना ही नहीं है, आप डायरेक्टली बी को कर दोगे। देखो ये क्वेश्चन भी बहुत आता है, नंबर 6, आपको ये पेयर दे दिया जाएगा, सिमिलरली पेयर का रिलेशन होगा एक ही, एग्जैक्ट एक ही तरह के नहीं होगा, पैटर्न सेम होगा, तो आप यहाँ पे देखोगे तो 16 मतलब 4 का स्क्वायर, 36 मतलब 6 का स्क्वायर और 64 माने 8 का स्क्वायर, और एक पैटर्न फॉलो करो, हर में दो दो करके इंक्रीज हुआ है, 4 से 6 2 इंक्रीज हुआ, 6 से 8 2 इंक्रीज हुआ, अब आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, इसका तो कोई रिलेशन नहीं बन रहा, ए नहीं होगा। बी देख लेते, 4 का स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद 100 मतलब 10 का स्क्वायर एंड 256 मतलब 16 का स्क्वायर, तो देखो 4 से 10 जो है 6 इंक्रीज हुआ, 10 से 16 6 इंक्रीज हुआ, एकदम परफेक्ट है, बी आपका आंसर हो जाएगा, बाकी नहीं आएगा। नेक्स्ट देख लेते, रैट इज टू कैट तो ओम इज टू क्या होगा? तो देखो रैट कैट किसको खाता है, रैट जो है प्रे है कैट का, ठीक है, तो ऑब्वियसली ओम किसका होता है, तो दैट इज बर्ड, पक्षी का जो है ओम, जो की जो भी कीड़े जो होते हैं वो बर्ड्स खा लेती है, ठीक है। नेक्स्ट फिर देखो, एम के 169/121 है तो जे एच क्या होगा? तो देखो फिर से हम लोग को जो है पोजीशन याद रखना पड़ेगा, अगर आप पोजीशन याद रखोगे तो इजीली हो जाएगा, एम का पोजीशन 13 है, ठीक है, और के का पोजीशन 11 है, तो स्क्वायर कर दिया गया है, तो जे का पोजीशन क्या होता है, जे का पोजीशन गाइस 10 होता है, तो 10 का स्क्वायर एंड
एच का पोजीशन 8 होता है, तो 8 का स्क्वायर मतलब 100 बाई 64 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते एन ओ पी क्यू, इसका रिलेशन जो हुआ है एम एल के जे के साथ, तो एच आई जे के का क्या रिलेशन होगा? अगर आप ठीक से देखोगे तो एन एम जो हुआ है वो माइनस वन हुआ है, ओ से एल जो हुआ है वो माइनस थ्री हुआ है, पी से के जो हुआ है दैट इज माइनस फाइव हुआ है, और क्यू से जे जो हुआ है दैट इज माइनस सेवन हुआ है। तो सिमिलरली ये रिलेशन भी होगा, तो एच से माइनस वन करोगे तो जी आएगा, तो जी एक ही ऑप्शन में है तो आपको देखने की जरूरत नहीं है और बाकी की, ठीक है, तो आपको वही आंसर कर दो। नेक्स्ट आ जाओ नंबर टेन में, तो देखो 4:19 है तो 7:1 क्या होगा, तो कैसे रिलेशन बैठ रहा है, 4 का स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर 16, उसके साथ प्लस 3 हो रहा है तब 19 हो रहा है, तो सिमिलरली 17 का स्क्वायर होगा उसके साथ 3 होगा, तो 70 स्क्वायर कितना होता है 49, प्लस 3 करोगे तो 72 राइट आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही शानदार है, देखो 123 13 स्क्वायर है तो 235 क्या होगा, ये देखो थोड़ा समझो फिर देखो ये तरीका क्या है, कुछ नहीं है, ये जो मिडिल वाला नंबर है 2 ये पावर में आ गया है, तो सिमिलरली मिडिल नंबर 3 पावर में आ जाएगा, तो 25 का पावर में 3 हो जाएगा आंसर। देखो कितना कैसे दे देता है, आपको वहाँ पे प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना है, आपको सोचना है, आंसर देख के पुट करना है, क्योंकि 1.5 घंटा का टाइम है यार, 1.5 घंटा में 100 करना है, उसमें से मैथ्स और रीजनिंग हार्डली 45 क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको बहुत टाइम मिल जाएगा मैथ्स रीजनिंग करने के लिए, तो अच्छा से सोच समझ के आंसर पुट करके भी करके दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट दो दे देते देते नंबर 12 का देखिए, 27 का दिया हुआ है 125, तो 64 का क्या होगा, तो कैसा हो रहा है, ये 3 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, दो नंबर इंक्रीज हुआ, 4 किसका है 64 है, 4 का क्यूब तो दो नंबर होगा, तो 6 का क्यूब होगा, 6 का क्यूब कितना है 216, तो 216 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो नंबर 10 का क्या है, 10 का स्क्वायर हुआ है माइनस वन हुआ है, 100 माइनस वन 99, तो सिमिलरली 9 का स्क्वायर होगा 81 माइनस वन मतलब 80 आंसर हो जाएगा गाइज। तो गाइज ये 13 था, तो आज हम लोग एनालॉजी, कल से हम लोग थोड़ा दूसरा चैप्टर्स करेंगे, सीरीज करेंगे, तो ज़रूर बने रहिए चैनल में, अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, और जो नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, टिल देन गुड बाय।